मोहतरम नाजरीन, अपडेट फॉर विजन में आपका इस्तकबाल है। आज नमाज में या नमाज के बाहर कुरान मजीद की तिलावत के ताल्लुक से कुछ जरूरी बातें लेकर हम हाजिर हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाज लोग नमाज में या नमाज के बाहर कुरान मजीद या कुछ औरादो वज़ाइफ दुरूद पाक वगैरह पढ़ते हैं तो आवाज बिल्कुल नहीं निकालते बल्कि सिर्फ होंठ हिलाते हैं। उनका ये पढ़ना पढ़ना नहीं है, होंठ हिलाने को पढ़ना नहीं कहते, और इस तरह पढ़ने से नमाज नहीं होगी। इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करने से तिलावत का सवाब भी नहीं पाएंगे। आहिस्ता पढ़ने का मतलब और आहिस्ता पढ़ने की मिकदार यह है कि कम से कम पढ़ने में इतनी आवाज तो जरूर निकाले कि अगर कोई रुकावट न हो, मसलन शोरगुल या और कोई आवाज न हो तो खुद सुन सके, तिलावत को और औरादो वज़ाइफ को खुद अपने कान से सुन सके। सिर्फ होंठ हिलाना और आवाज बिल्कुल ना निकालना पढ़ना नहीं है। लिहाजा मेरे इस्लामी भाइयों इस मसला का खास ध्यान रखें, वरना हमारी सारी मेहनतें बर्बाद होंगी और नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस किस्म की अनोखी और नादिर मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचे।